वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस कुकिंग पैशन। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के साथ फिश हेड करी। ये बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के साथ फिश हेड करी। इसके लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी। हमने यहाँ पे एक गोभी लिया है, इसे हमने अच्छे से धोकर गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लिया है। और हमें चाहिए आलू। आलू हमने यहाँ पे लिया है, 3 आलू लिया है, इसे हमने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और हमें चाहिए ये फिश हेड। फिश हेड हमने यहाँ पे एक फ़िश का लिया है, इसे हमने नमक और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे करके ये रेसिपी बनाते हैं। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई पे 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल से भी बना सकते हैं। फिर इस ऑयल में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को हम ढक कर के फ्राई करेंगे ताकि ये 80% कुक हो जाए। आलू में अब हम थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू हमारा कुक हो गया है। अब इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हम इसी ऑयल में अब हम एक छोटे चम्मच हमने यहाँ पे ज़ीरा और एक तेज़पत्ता और एक सूखी मिर्च डालकर इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें हमने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है, इसे स्लाइस कर लिया है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी इसी टाइम पे हमने यहाँ पे एक बड़े टमाटर लिया है, इसे चॉप कर लिया है, इसे हम अब कुक कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि टमाटर जल्दी से कुक हो जाए। इस टाइम पे हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 इंच अदरक को अच्छे से पीस लिया है। इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हमने यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने हिसाब से लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर गल गया है। अब इसी टाइम पे हमने जो मिक्स किया हुआ जिंजर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर मिक्स करके रखा था, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। देकर इसे अच्छे से हम भून लेंगे। हमने यहाँ पे और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए, मसाले से तेल अलग होने लगा है। अब हमने जो फिश हेड रखा था उसे हमने तोड़ के इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे भी हम थोड़ा सा मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम फ्राई किया हुआ पोटैटो को, आलू को इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम जो पानी में उबाल के रखा था जो पत्ता गोभी, इसको हम इसमें डाल के इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए, हमारा मिक्स करना हो गया है। अब इसको हम ढक करके थोड़े देर पकने देते हैं। इसमें पानी ऐड ना करें क्योंकि इसमें पानी निकाल के आएंगे। बीच बीच में अब हम इसे ढक्कन खोलकर हल्का सा चलाते जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा, इसमें जो पानी निकल के आया था ये पूरा सूख चुका है। अब इसी टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से चीनी ऐड करना, आप कितना मीठा खाना चाहते हैं। ये थोड़ा सोचिए, मीठा मीठा होता है।
तो इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम ये दो ग्रीन चिली लिया है, इसको हम बीच में से चीरा लगा के इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इस ये हमने चॉप किया हुआ धनिया पत लिया है इसमें ऐड कर देंगे। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 1/4 चम्मच गरम मसाला लिया है, ये हमने घर पे बनाई हुई है, ये बहुत ही टेस्टी गरम मसाला है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि गरम मसाला की जो फ्लेवर है वो उसमें आ जाए। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, अब इसको हम ये पूरी तैयार हो गई है, अब इसको हम एक बर्तन में सर्व कर लेते हैं। हमारा ये रेसिपी रेडी हो गया है, पत्ता गोभी और फिश हेड करी। इसे बंगाली में बाधा गोभी दिए माछे माथा बोलते हैं। तो आप भी इसी रेसिपी को ट्राई करना, घर पे ज़रूर बनाना और कैसे लगा हमें कमेंट करके बताना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।